आपको पता है सेल्फ कंट्रोल और व्हाट वी कॉल विल पावर इज अ फाइनाइट रिसोर्स. जी हाँ, विल पावर किसी को भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में और हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, वो कंज्यूम होती है और रिफिल भी करना पड़ती है. एंड दिस इज ट्रू फॉर ईच वन ऑफ अस, चाहे घर हो या ऑफिस. जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है. आइए देखें एक इंटरपर्सनल सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर. हे अनिरुद्ध. हे सदानंद. व्हाट्स अप? गुड. किधर? उधर. क्या यार अनी, शाम को भी सिली जोक्स मार रहा है. क्या बताओ यार, नींद पूरी हुई नहीं है और थका हुआ भी हूँ. तो पैकअप कर ले, घर चला जा. जा तो सकता हूँ. आयुष्य और केदार भी यही बोल रहे हैं, बट क्या करो यार, उन दोनों के साथ एक सेंसिटिव मैटर पर डिस्कस करना काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो सोच रहा हूँ आज ही कर लूँ. ओके चल, बाय. सो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? आपने देखा, अनिरुद्ध ने बाय चॉइस आयुषी और केदार के साथ अपना सेंसिटिव मैटर पे डिस्कशन इन स्पाइट ऑफ हिज मेंटल स्टेट शाम को शेड्यूल किया है. विल लेट्स अप्लाई सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करना क्यों सही नहीं है. अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो पाएंगे कॉन्सेप्चुअली हमारा एक नहीं तीन ब्रेन्स हैं. ये तीन ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में जमे हैं. सबसे नीचे वाला ब्रेन वन सर्वाइवल से रिलेटेड फंक्शंस को इंश्योर करता है. उससे ऊपर वाला बीच वाला ब्रेन टू इमोशंस का सेंटर है. और सबसे ऊपर वाले ब्रेन थ्री से हमारी इंटेलिजेंस आती है. नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी बॉडी में जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो हमारे इन तीन ब्रेन्स को 1, 2, 3 की सीक्वेंस में अलॉट होती है. विच मेक्स सेंस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल से रिलेटेड फंक्शंस. अब आप ही सोचिए, अगर आप थके होंगे तो क्या आपके ब्रेन थ्री यानी इंटेलिजेंस से आने वाली विल पावर या सेल्फ कंट्रोल अपने बेस्ट पर काम कर पाएंगे? आइए अब अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं. अगर अनिरुद्ध ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और स्लीप डिप्राइव्ड भी, तो उसे आयुषी और केदार के साथ अपने सेंसिटिव मैटर पर डिस्कशन को शाम को शेड्यूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो थका हुआ है और ऐसे में उसकी इंटेलिजेंस या पेशेंस अपने बेस्ट पर काम नहीं कर पाएगा और एज अ रिजल्ट उसके लैप्सेस, मिस्टेक्स और रिएक्शंस कहीं ज़्यादा होंगे. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, सेल्फ कंट्रोल और व्हाट वी कॉल विल पावर इज अ फाइनाइट रिसोर्स. इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करके हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और कितना कुछ सही कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगली बार.